अमदावाद दूरदर्शन परिसर में 75मा गणतंत्र दिवस की उजवणी करवामां आवी हती। डेप्यूटी डिरेक्टर जनरल सत्यजीत दास साहेबना हस्ते ध्वजवंदन करवामां आव्युं हतुं। आ कार्यक्रम में दूरदर्शन समाचार विभाग नियामक धर्मेन्द्र तिवारी, नायब नियामक उत्सव परमार, समाचार संपादक निशित जोशी तथा अलग अलग विभाग हेड और मोटी संख्या में दूरदर्शन परिवार सभ्य उपस्थित रहा था। कार्यक्रम में महानुभावोए पोताना विचारों रजू कर्या हता, जेमां दास साहेबना प्रेरक उद्बोधन ने श्रोताओं ताळीओना गड़गड़ाटथी वधावी लीधुं हतुं। तो समाचार नियामक तिवारी साहेबे देश ने भिन्न भिन्न संस्कृति और दूरदर्शन महत्व ने समझावता खास संबोधन थी श्रोताओ मंत्रमुग्ध थई गया था। साथ ज नायब नियामक उत्सव परमार साहेबे देश की आजादी माटे पोतानु अमूल्य योगदान आपनारा स्वतंत्र सेनानियों ने नमन करी कोईपण काम की शुरुआत पोतानाथी करवा प्रेरणा आपी हती। इसको और भी आगे लेना है और मुझे ये पता है कि ये सब कोई हमारा यहाँ काम में बहुत ही माहिर है और इनको जो गाइडेंस चाहिए वो हमारा एचओपी देंगे, वो गाइडेंस हमारा हेड ऑफ न्यूज देंगे, वो गाइडेंस हमारा हेड ऑफ इंजीनियरिंग भी देंगे। कि जीवन बिना किसी नीति और सिद्धांत के नहीं होता, संस्थान भी बिना किसी नीति के नहीं चलते, देश और संस्थान और व्यक्ति और परिवार और समाज सबके लिए जो आज का दिन है वो इस बात का सूचक है कि जैसे संविधान में कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं जिनके आधार पर ही हम देश का विकास कर पाए हैं और 75 सालों की हमारी यात्रा में हम बहुत खूबसूरत विकास कर पाए हैं। कहीं हम सुनते हैं कि जो ड्राइवर पहाड़ों में गाड़ी चला रहा है कि आकाशवाणी तो ऑन नहीं कर रहा है, वो कभी कभी हो उनको ड्राइवर को नहीं पता कि हम लोग उसी संस्थान से आते हैं, लेकिन कहीं हम लाहौर, हम लेह में गए हैं, हम सिक्किम में गए हैं और आसाम में गए हैं, तो ड्राइवर 7 बजते ही साहब समाचार का समय हो गया और जैसे ही आता है ये आकाशवाणी है, अब आप दूरदर्शन आसाम से समाचार, आप आकाशवाणी आसाम से समाचार, गुवाहाटी से समाचार सुनेंगे, आप लेह से समाचार सुनेंगे, हर बार लगता है वो हमें ताकत देता है। इस बार हम ये सभी लोग डिसाइड करते हैं कि हर महीने एक नई कॉन्सर्ट का, जैसे आपने बताया सर, हर महीने हम नया कॉन्सर्ट का प्लान करेंगे और सभी लोग यहाँ इन्वाइटेड ऑडियंस के सामने बुलाएंगे और हम पूरा इस तरह का साल भर एक पूरा एक ऐसा प्लान करने का हमारा इरादा है सर।